अब जब आप देखेगा, जब मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूंगा तो क्या होता है? अब इसमें हमारे पास दो पार्ट हैं, तो आप लोग अभी फर्स्ट पार्ट को छोड़ें, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? आप ये वाले, आज हमें ये वाला पार्ट करना है, ओके? तो इसमें कितने स्प्राइट्स हैं टोटल? सर, टू, फोर। फोर नहीं, अभी आप सिर्फ इसी स्क्रीन का बताएं कि अभी हमारे पास कितने स्प्राइट्स हैं टोटल। और जब जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? ये अलग अलग जगह इस पे जा रहे हैं। ओके, रैंडम पोजीशन पे जा रहे हैं, और इसकी फेस भी चेंज हो रहा है ना? यस। ओके, तो आज हम लोग ये, और यहाँ से स्कोर भी इंक्रीज हो रहा है। यस। ओके, तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे। Okay, just wait 2 minutes. I am coming back. Okay, I'm just sharing my screen. Okay, now can you all see my screen? Yes. Okay. Yes, sir. So first of all, what should we have? What should we do? Do we need the cat sprite here? हमें तो cat का sprite चाहिए। No. तो हम लोग यहाँ से इसको delete कर देंगे। From we have to press the dustbin. Okay. Well done. अब हमें क्या करना है? We will go to the sprite. Okay. Then from here we have to take host. Okay, we will take the host sprite, and then we have to add a backdrop, and we have to add a backdrop and this nebula. Okay, now what should we do? Sir, there is written space. Yes. Sir, which background is this? This is nebula. Okay, this is nebula. अब हमें क्या करना है? अब हमें एक और हमारे पास sprite था target का. Yes. Yes. वो हमें target का sprite को draw करना है. Oh. We will go to the costumes. No, we have to first. We have to draw it. तो फसल आप बताओ, अगर हमें sprite खुद से draw करना होता है तो हम कहाँ जाते हैं? Costume.
questions? Fazal. Only Fazal will answer. जी फजल बताएं सर कैन आई टेल ओके कैन ओके लाफ टेल मी वी विल गो टू द कॉस्ट्यूम्स ओके फ्रॉम वेयर वी विल गो टू द कॉस्ट्यूम्स फर्स्ट वी हैव टू फर्स्ट नो 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 फर्स्ट वी हैव टू गो टू द स्प्राइट बटन फ्रॉम वेयर वी कैन ऐड द स्प्राइट एंड वी हैव टू गो इन द पेंट बटन फ्रॉम हियर Okay, yes. We have to go in the paint button from here. And then to draw a target Fazal, which हमें कौन सा टूल यूज करना पड़ेगा टारगेट के लिए Sir, can we trace the target? हमें कौन सा टूल ड्रॉ कर यूज करना होगा टेक्स्ट के नीचे टूल यूज करना ओके हमें सर्कल टूल को ड्रॉ यूज करना है अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि अब अगर हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास एक कलर फील्ड आ रहा है हमें कलर फील्ड वाला नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे सर्कल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे फील्ड पे और यहाँ आपको रेड लाइन दिख रहा है अगर हम कलर व्हाइट कर देंगे तो उसका कलर व्हाइट हो जाएगा हम चाहते हैं ट्रांसपेरेंट हो तो उसके लिए हमें यहाँ से जाके रेड लाइन है इस पे क्लिक करना है तो अब हमारा क्या होगा अब हमारे पास यहाँ पे देखो ट्रांसपेरेंट हो गया yes. okay. लेकिन अब हमें क्या करना है कि हमें रेड कलर का टारगेट ड्रॉ करना है तो रेड कलर के टारगेट वेल डन हम आउटलाइन में जाके हम लोग यहाँ से इसको रेड कलर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग अपना टारगेट को ड्रॉ करेंगे अब परफेक्ट सर्कल के लिए हमें कौन सी की दबा के रखनी पड़ती है वेल डन लेकिन अभी तो हमारी आउटलाइन बहुत बहुत पतला हमारा है बन रहा है सर्कल तो हम लोग यहाँ से सिंपली इसकी आउटलाइन का थिकनेस को इंक्रीज कर सकते हैं और हम लोग यहाँ से इसको ड्रॉ कर सकते हैं हमने एक सर्कल ड्रॉ किया ओके एक सर्कल के अंदर फिर हमें एक और सर्कल को ड्रॉ करना है ओके फिर हम लोगों ने सिलेक्शन टूल पे जाना है और एक हर सर्कल को इसके सिलेक्शन टूल से हमें इसको सिलेक्ट करके बीच में करना है इसको सेंटर में करना है बिल्कुल आके बिल्कुल सेंटर पे हो जाए ओके अब हम लोग थोड़ा ये सेंटर में अभी उधर से हो गया अब हम लोग इसमें जूम कर लेंगे ताकि हमें थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नहीं आए अब हम इसको थोड़ा सा इसका साइज को इंक्रीज कर देंगे ओके हमने ये कर दिया अब हमें क्या करना है लाइन टूल वेल डन अब हमें यहाँ से लाइन टूल को सेलेक्ट द लाइन यस वी हैव टू सेलेक्ट द लाइन टूल हियर एंड वी हैव टू ड्रॉ द लाइंस हियर प्रेस द शिफ्ट की यस एंड वी हैव टू ड्रॉ द लाइंस हियर ओके नाउ इट्स एट टारगेट अब लग रहा है टारगेट है yes. हम लोग इसका साइज थोड़ा अगर डिक्रीज करना हो तो हम लोग इसको पूरे को सिलेक्ट करके इसके साइज को डिक्रीज कर सकते हैं ओके और अगर हम इसको मूव करना होगा तो हम इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे ग्रुप करने के बाद हम इसको यहाँ से मूव करके सेंटर में कर देंगे अब हम आ जाते हैं ओके अब हमारा टारगेट सही हो गया कंप्लीट सर जब आप मुझसे पूछ रहे थे ना तो मेरे ना माइक का कुछ हो गया था जी 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 कोई बात नहीं फजल मैं समझ गया था कि आपके माइक का कोई इशू आया ओके अब हमारा टारगेट हो गया है एक जस्ट वेट अ मिनट इलाफिस रीजॉइनिंग ओके तो अब हमारा टारगेट हो गया है टारगेट कंप्लीट हो गया यस इलाफ I was disconnected. Can you tell me again? Okay, sir. तो इलाफ आपको आप जब disconnect हुई तो हम लोग क्या काम कर रहे थे उस वक्त? आप लोग वो बना रहे थे circle वाला. Okay.
तो हमने लाफ यहाँ से हमने आपको पता है हमने एक सर्कल कैसे ड्रॉ किया था? यस ओके okay, हमने यहाँ से टू सर्कल ड्रॉ किए लाइन टूल से, फिर हमने यहाँ से फोर लाइनें ड्रॉ कर दी बस ओके okay. फिर हम आ जाते हैं कोर्ट पे. अब हम लोग चाहते हैं कि अब मुझे कौन बता, फजल आप बताना, फजल आप मुझे ये बताओ कि अब हम चाहते हैं कि जब ग्रीन फ्लैग क्लिक हो उसके बाद हम लोग जहां भी अपना माउस पॉइंटर लेके जाएं तो वहां ये साथ साथ हमारे मूव करे टारगेट. नो 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 आई एम आस्किंग फ्रॉम फजल. ओके हम लोग इवेंट्स पे जाएंगे उसके बाद ग्रीन फ्लैग क्लिक लेंगे. ओके वेल डन बैन ग्रीन फ्लैग क्लिक. फिर मोशन में जाएंगे. मोशन में ओके मोशन में फिर हमारे को गो टू रैंडम पोजीशन लेना है. ओके गो टू रैंडम पोजीशन लेना है और उसमें वो माउस करना है गो टू माउस पॉइंटर. वेल डन ओके अब हम लोग चेक करते हैं जब हम ग्रीन फ्लैग क्लिक करते हैं तो फजल अब तो हमारे पास ये नहीं हो रहा. देखो जब हम ग्रीन फ्लैग क्लिक कर रहे हैं तो हमारे साथ मूव ही नहीं कर रहा, तो अब हम लोग क्या मिस कर रहे हैं इधर? सर जी कैन आई टेल? यस कैन यू कैन टेल. हमें पॉइंट टुवर्ड्स माउस पॉइंटर करने. नहीं हमें पॉइंट टुवर्ड माउस पॉइंटर नहीं करना, हमने ये सही किया गो टू माउस पॉइंटर. पॉइंट टुवर्ड्स माउस पॉइंटर से बताऊं क्या होगा? ये देखो अगर हम पॉइंट टुवर्ड्स माउस पॉइंटर करें ना तो हमारी इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी हमेशा. एक मिनट में आपको दिखाऊंगी कि हमारे साथ सर आई थिंक समथिंग हैपेंड टू पीपल. ओके आप बताओ हम लोगों ने क्या मिस किया है? अभी यहाँ तक हमने कोड सही किया है लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जब ग्रीन फ्लैग क्लिक करें फिर जब हमेशा हम जहाँ भी लेके जाएं वो वहाँ वहाँ जाए हमेशा के लिए. वेल डन वी हैव टू यूज द पॉइंट टुवर्ड्स माउस पॉइंटर. ओके और फजल वेल डन आपने बताया फॉरएवर यूज करना है हमें. अब हम करेंगे व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक फॉरएवर पॉइंट टुवर्ड्स माउस पॉइंटर. अब हम ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे तो आप ये देखो पॉइंट टुवर्ड्स माउस पॉइंटर से क्या होगा, ये होगा हमारा, देख रहे हो आप? यस ये सर्कल घूम रहा है. सर ये इसका हिट नहीं कर रहा, ये इसीलिए पॉइंट टुवर्ड्स माउस पॉइंटर्स की हम यूज नहीं करेंगे. हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जो फजल ने बताया कि गो टू माउस पॉइंटर. ओके फजल अब हम जब ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे तो हमारे साथ साथ जा रहा है पूरा ये. यस ओके तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो नो ओके तो अब ये जब ट्रांसपेरेंट है ना, ये अब ये ट्रांसपेरेंट है तो जब जब हम इस पे क्लिक करेंगे ना इससे तो ये घोष पे क्लिक होगा. ओके ओके तो अब मुझे ये अब रुक जाए. अब मैं ये चाहता हूँ नेहा आप बताएगा. अब मैं नेहा चाहता हूँ कि जब जब मैं इस पे क्लिक करूँ ना तो ये चला जाए, ये कहीं अपनी मर्जी से इधर उधर चला जाए और इसका कॉस्ट्यूम भी वो हो, इसकी फेसेस भी चेंज हो, फिर हम क्या करेंगे? सर कैन यू रिपीट अगेन क्योंकि मुझे लुक्स तक पता. ओके ओके मुझे सिर्फ कॉस्ट्यूम चेंज करना. ओके हम लोग देखें अब हम लोग चाहते हैं कि जब हम इस पे क्लिक करें ना टारगेट से तो फिर ये ना किसी दूसरी पोजीशन पे चला जाए जैसे मैंने आपको दिखाया था. वी हैव टू गो टू इवेंट्स. ओके वी हैव टू गो टू द इवेंट्स देन व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक. वेल डन व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक हमें घोस्ट में जाके लेना है. ओके क्योंकि हम लोग घोस्ट को क्लिक कर रहे हैं. व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक देन वी हैव टू गो टू लुक्स. Okay, we have to go to the looks. And switch costume to. No, we have to use the next costume. ठीक है, next costume और फिर. We have to use the forever block. No. अब हम चाहते हैं अपनी मर्जी से किसी पोजीशन पे जाए. जी फजल. We didn't know the motion.
यस फजल टेल मी, हमारे को मोशन में जाना है और फिर हमारे को देना है गो टू रैंडम पोजीशन. वेल डन, हमें लेना है गो टू रैंडम पोजीशन. अब जब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो रैंडम पोजीशन पे जाएगा. ओके यस, और इसका चेंज हो रहा है कॉस्ट्यूम. लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं, एक चीज नहीं हो रही हमारे पास के जो मैंने आपको अभी स्कोर नहीं. तो मैंने अभी जो उससे पहले आपको जो दिखाया था उसमें हमारे पास एक चीज और हो रही थी, वो ये हो रही थी कि ये स्लाइड स्लो स्लो ये डिसअपीयर हो रहा था और ये स्लो स्लो अपीयर हो रहा था. वी डिडंट यूज द हाइड शो. हाइड शो नो, हाइड एंड शो नो, वेट वन सेकंड, वेट प्लॉट. ओके ओके ओके, स्टॉप 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 स्टॉप, आई एम टेलिंग यू. ओके अब देखो, अब अगर हम लोग देखे व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक और हम लोग लुक्स में जाएं और चेंज कलर इफेक्ट के ब्लॉक को यहाँ पे यूज करें और कलर की जगह हम लोगों को क्या करना है, घोस्ट, चेंज घोस्ट इफेक्ट बाय 25. ओके अब जब हम लोग ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे और जब जब हम इस पे क्लिक करेंगे, आप देख रहे हो हल्का सा क्या हो गया, हल्का सा गायब हो रहा है. और ये टोटल, और ये टोटल फोर टाइम्स हम लोग जब होगा ना, जब फोर टाइम्स 25% है ठीक है और 100% टोटल होता है. अब ये आ गया हमारे पास वापस. ओके अब देखो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास क्या होता है, 100 होता है. यस ओके तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि रिपीट का ब्लॉक हम लोग यूज कर सकते हैं कि रिपीट. ओके रिपीट 4 टाइम्स. ओके व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक रिपीट 4 टाइम्स चेंज गोस इफेक्ट बाय 25. ओके अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे ये तो गायब हो गया, हमारे पास आएगा ही नहीं है, कभी भी नहीं आ सकता. उसके लिए अब हम क्या करेंगे इसको वापस लाने के लिए, हमारे को रिपीट में -25 लिखना है हमको. लेकिन -25 अगर हम लिख भी देंगे तो हमें इसको क्लिक कैसे करेंगे हम लोग उसको, हमारा घोस्ट तो गायब हो गया. तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए अब ठीक है, अब हमने -25 किया था वापसी आ गया, तो इसका मतलब गायब हो जाएगा भाई. तो हमें क्या करना होगा कि हमें इसको वापसी भी लाने का भी कुछ करना होगा. ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे, एक और रिपीट कर लेंगे, इसको भी 4 टाइम्स करेंगे और लुक्स में जाएंगे, चेंज कोस्ट इफेक्ट बाय, एक हमने क्या किया -25, तो एक क्या करेंगे +25. यस वेल डन. अब देखो जब हम, मैं इस कोड को चलाऊंगा, इस ब्लॉक पे क्लिक करूंगा तो ये घोस्ट हो गया, इस ब्लॉक पे क्लिक करूंगा वापसी आ गया, दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करूंगा जा रहा है, इस पे क्लिक करूंगा वापसी आ रहा है. ठीक है बट वी हैव टू जॉइन देम और नॉट. यस अब देखो, अब हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, एक तो हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रहा है कि हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रहा है कि बहुत स्पीड में हो रहा है. सबसे पहले तो हम इसकी स्पीड स्लो करने के लिए हम लोग वेट का ब्लॉक हम लोग यहाँ पे यूज करना है हमें दोनों जगह. ओके यस हमें दोनों वेट के ब्लॉक यहाँ यूज करने. अब हम देखते हैं इस पे क्लिक करके, अब तो ये बहुत ही स्लो हो गया. हम इसको 0.1 सेकेंड कर देंगे, ठीक है 0.1 सेकेंड. ओके 0.1 सेकेंड आ जाओ इस पे क्लिक कर रहे हैं, तो अब ये बिल्कुल परफेक्टली डिसअपीयर और अपीयर हो रहा है. यस ओके अब यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? No. Okay. तो अब हम लोग देखो, अब हम लोग को क्या करना है, हमें दोनों चीजें चाहिए, ठीक है. अब हम लोग चाहते हैं कि भाई जब हम इस स्प्राइट पे क्लिक करें ना तो क्या हो कि घोस्ट, ये घोस्ट पहले हमारा ये ऐसे गायब हो और उसके बाद ये रैंडम पोजीशन पे जाने के बाद ये वापस ऐसी आ जाए. तो अब आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपना ब्लॉक्स कैसे क्रिएट कर सकते हो. ओके
तो हम लोग माय यहाँ पे आपको दिख रहा है माय ब्लॉक्स इलाफ म्यूट योरसेल्फ ओके इलाफ आपके बैकग्राउंड से आवाज आई थी इसीलिए जब आपको कोई क्वेश्चन हो ना फिर आप अनम्यूट कर लेगा ओके okay? अब हम लोग को अपना मैं बताऊंगा कि आपको अपना एक ब्लॉक कैसे क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ से वेरिएबल्स के नीचे आप माय ब्लॉक्स में जाओगे, माय ब्लॉक्स में जाके मेक अ ब्लॉक करोगे ओके। मेक अ ब्लॉक में जाके आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, यहाँ से कुछ भी ऐड नहीं करना, बस आपको डायरेक्ट यहाँ पे ब्लॉक का नेम करना है ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं दो ब्लॉक बना लेते हैं, मैं एक बना लेता हूँ फेड इन का जिससे वो गायब हो रहा है ओके, और ओके कर देंगे। तो आप यहाँ देख रहे हो यहाँ फेड इन आ गया, यहाँ पे भी एक फेड इन आ गया, डिफाइन फेड इन और यहाँ पे आ गया फेड इन ओके। तो डिफाइन फेड इन गायब किस में हो रहा है, 25 में हो रहा है -25 में हो रहा है गायब? 25। तो हम लोग क्या करेंगे डिफाइन फेड इन को 25 वाले इसके ऊपर लगा देंगे। इसका मतलब कि जो फेड इन का जो ब्लॉक है वो इस पूरे ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है ओके। अब ऐसे हम लोग एक फेड आउट का भी ब्लॉक बना लेंगे, फेड आउट और इसको हम ओके कर लेंगे। यहाँ ये डिफाइन फेड आउट, फेड आउट को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो हमारे पास क्या हो गया कि ये पूरा जो ब्लॉक है हमारा फेड इन का हो गया, ये पूरा हो गया हमारे पास ब्लॉक फेड आउट का। अब हमारे पास यहाँ आ गए छोटे छोटे दो ब्लॉक ठीक है। इसका मतलब कि ये फेड इन का जब हम इस ब्लॉक पे कॉल होगा तो हमारा क्या होगा वो गायब होगा, इस पे क्लिक करेंगे कॉल होगा। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? नो यानी हमने इतने बड़े कोड को इस छोटे से ब्लॉक में बंद कर दिया ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि जब हमारे स्प्राइट पे क्लिक हो तो वो गायब हो जाए और जब वो दूसरी जगह पे आ जाए फिर वो शो हो जाए। तो हम करेंगे व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक फेड इन, और फेड आउट कब करना है हमें, गो टू रैंडम पोजीशन के बाद। अब जब हम लोग ग्रीन फ्लैग क्लिक करें और इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो देख रहे हो आप सही हो गया हमारा ठीक है, सही वर्क कर रहा है। सर दोबारा से ग्रीन फ्लैग क्लिक कर सकते हैं? ओके दोबारा से ग्रीन फ्लैग क्लिक कर दिया हमने। All right, Neha. Sir, before we do the work, can you click on the sprite one? I want to see the coding. Okay. यहाँ तक किसी को कोई confusion है? No, sir. अब मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग वेरिएबल कैसे ऐड कर सकते हो। वेरिएबल यानी स्कोर जो ऊपर शो हो रहा था ना, वेरिएबल होता क्या है कि अब देखो हम लोग यहाँ ब्लॉक्स के ऊपर आते हैं वेरिएबल्स ओके। वेरिएबल्स बेसिकली ये होता है कि एक ब्लॉक यानी एक बॉक्स है, आपने उस बॉक्स में कोई चीज डाली तो वो उस बॉक्स के अंदर रह जाएगी ठीक है, और आप उसको चेंज कर सकते हो चीज को, बस एक छोटा सा बॉक्स है ओके। तो हम लोग वेरिएबल्स पे जाएंगे और हमें यहाँ एक नया वेरिएबल बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे मेक अ वेरिएबल का आपको बटन दिख रहा है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। जो आपने माय ब्लॉक बनाया था उस पर हमने बस ब्लॉक के बटन पे क्लिक किया था, उसमें डिलीट करके अपना वर्ड लिख दिया था फाइन। जी 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 फेड इन पहले लिख देंगे फिर फेड आउट लिख देंगे ओके। हम लोग वेरिएबल्स सर पर आप माय ब्लॉक कैसे बनाया था वो दोबारा से दिखा सकते हैं? ओके हमें आप जब अपना ब्लॉक क्रिएट करना, हम लोग जाएंगे माय ब्लॉक्स पे, मेक अ ब्लॉक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लॉक का नेम लिख के, यहाँ से इसको लिख के जो भी हमें ब्लॉक का नेम लिखना वो करके ओके प्रेस कर देंगे ओके। और हमें घोस्ट में करना है ओके, स्प्राइट वन में नहीं करना, घोस्ट में आपको बनाना है ओके। क्योंकि आप जो आप कोई भी अगर ब्लॉक किसी भी स्प्राइट में बनाते हो तो फिर वो उसी स्प्राइट के लिए रहता है। देखो सिर्फ घोस्ट में हमारे पास ब्लॉक्स में है, अगर हम इस टारगेट पे जाएं यहाँ नहीं हमारे पास, देख रहे हो सिर्फ घोस्ट पे ही रहेंगे वो। यस ओके अब हमारा है कि स्कोर का काम, स्कोर
था वो एक वेरिएबल, हम लोग जाएंगे वेरिएबल्स में, हमें एक बनाना है न्यू वेरिएबल, मेक अ वेरिएबल का बटन है, क्या नाम रखना है हमें वेरिएबल का? स्टोर। वेल डन, स्कोर। स्कोर पे लिखने के बाद हम ओके प्रेस कर देंगे तो आपको देख रहे हो ऊपर स्कोर खुद ब खुद ऐड हो गया। यस ओके स्कोर ऐड हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, अब आप देखो जब ग्रीन फ्लैग क्लिक करके आप प्ले करना लगोगे तो स्कोर तो चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि आपने एक बॉक्स तो बना दिया, आपने बॉक्स तो क्रिएट कर दिया लेकिन बॉक्स अभी एम्प्टी है, बॉक्स में आप कुछ डाल ही नहीं रहे। ओके अब यही आपको देखो, आपको यहाँ पे एक ब्लॉक दिखेगा चेंज माय वेरिएबल बाय वन, दिख रहा है आपको ये ब्लॉक? यस यस। तो आपको ये आपको कब करना है, आप स्कोर कब चेंज करना है आप लोगों को? After fade out, after fade out. No. We have to change the score when we click on this sprite. When this sprite is clicked. तो हम लोग इसको change my variable को when the sprite click के नीचे लगा देंगे और यहाँ से my variable को नहीं करना क्योंकि हमारा क्या variable का नाम है score, तो हम लोग यहाँ से score कर देंगे change score by one. ओके अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे आप देख रहे हो स्कोर इंक्रीज हो रहा है वन वन करके। अगर आप चाहते हो कि टू, अगर आप चाहते हो कि टू टू करके इंक्रीज हो तो आप यहाँ टू क्लिक दोगे तो आपके पास टू फोर सिक्स एट ऐसे होगा। ओके देखो टू टू प्लस होते जाएंगे। ओके तो हम लोग ज्यादातर यहाँ पे वन ही यूज करेंगे। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि अब जब हम लोग ग्रीन फ्लैग क्लिक करते हैं तो न्यू गेम स्टार्ट होना चाहिए और स्कोर जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्कोर तो 11 ही है आने वाला। मैं बताऊं? यस फजल, मार्को इवेंट्स में आके पहले व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक लेना। वेल डन, व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, फिर वेरिएबल्स में जाना। ओके और set my variable to well done, इसको set score to zero कर देना है, इसका मतलब जब हम green flag click करेंगे score zero set कर देगा। okay और जब ये sprite click होगा तो change score by one, यानी हर वो score को one से change कर देगा। अच्छा हम लोग green flag click करेंगे score zero हो गया और जब जब हम इस पे click करते रहेंगे तो यहाँ से ये हमें दिखता रहेगा। okay यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो। ओके तो अब मैं स्क्रीन शेयरिंग को अपनी स्टॉप कर रहा हूँ और आप लोग अपनी अपनी स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कीजिए और यहाँ तक काम को कंप्लीट कीजिए। ओके ओके ओके।